हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन लिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटली लिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 बेसिक टॉपिक लिए हैं जो कि लिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें हम लोग लिस्ट इंट्रोडक्शन, लिस्ट के टाइप्स, क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट इंडेक्स, एक्सेसिंग लिस्ट एंड ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट शामिल हैं। यदि आपने छों के छों टॉपिक को ढंग से कवर कर लिया तो आपका लिस्ट का पूरा बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर लिस्ट होती क्या है। तो दोस्तों, लिस्ट एक तरीके का डाटा टाइप है जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को एक सिंगल नेम में स्टोर करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब आपने सुन लिया तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। लिस्ट की डेफिनेशन में है, अ लिस्ट इज अ डाटा टाइप दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। लिस्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को एक सिंगल नेम में स्टोर करा सकते हैं। जैसे यहां पर ये जो नीचे मैंने दे रखा है, ये एक तरीके का लिस्ट है, ठीक है। जो हम a नाम का एक वेरिएबल है, उसमें इस लिस्ट को हमने स्टोर कराया है, जिसमें 5 वैल्यूज हैं जो कि एक सीक्वेंस में दी हुई हैं, 3, 2.5, 5, 6 एंड अनुज। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं जिनको हम लोगों ने एक लिस्ट में स्टोर कराया हुआ है। लिस्ट की पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और लिस्ट के हर एक एलिमेंट को कॉमा लगाकर सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 मैंने एलिमेंट्स दे रखे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर वैल्यूज हैं, वो 3 है, 2.5 है, 5 है, 6 है और अनुज है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ वैल्यूज हमारी इंटीजर टाइप की हैं, कुछ वैल्यूज हमारी डेसिमल टाइप की यानी फ्लोट टाइप की हैं और कुछ वैल्यूज हमारी स्ट्रिंग टाइप की हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को मैंने एक लिस्ट में स्टोर कराया है। एक बात ध्यान रहे कि जो लिस्ट डाटा टाइप है, ये हमारा म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल डाटा टाइप का मतलब ये हुआ कि आप लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये है कि आखिर लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, लिस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी लिस्ट हमारी खाली है। दूसरे टाइप की लिस्ट हमारी सिंपल लिस्ट, जैसे हम लोग नॉर्मली क्रिएट करते हैं, जिसमें आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं और हर एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे और सारे एलिमेंट को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ये है हमारी सिंपल लिस्ट। और अगली है नेक्स्टेड लिस्ट। नेक्स्टेड लिस्ट का मतलब हुआ लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। यदि आप एक लिस्ट के अंदर अपनी कोई और लिस्ट भी स्टोर कराना चाह रहे हैं तो उस टाइप की लिस्ट हमारी नेक्स्टेड लिस्ट कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। सिंपल लिस्ट जैसे नॉर्मली हमारी लिस्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को हमने स्टोर कराया है, और नेक्स्टेड लिस्ट यानी एक अलग एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक लिस्ट ये। तो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ये हो गई आपकी नेक्स्टेड लिस्ट। आई होप आपने इसको समझा होगा। तो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आखिर लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। हमने ये सारी चीज पढ़ी कि आखिर लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कितने प्रकार की होती है। अब हमको ये भी समझना आना चाहिए कि लिस्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट करने के आपके 2 तरीके हैं। एक है प्रोग्राम कोड में और एक है आपका रन टाइम पर। तो हम आपको दोनों तरीके को समझाने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि हम लोग प्रोग्राम में लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। मान के चलिए ए नाम के एक वेरिएबल में मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करनी है। तो लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा और जितने एलिमेंट आप उसमें
इंसर्ट करने चाहें आप उसमें उतने एलिमेंट आप डाल सकते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट को आप कॉमा से सेपरेट करेंगे। और जैसे अगर सपोज आपको कोई एक स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट लेना है तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैक सॉरी उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास ज़रूर लगाने होंगे। तो मान के चलिए जैसे मैंने एक ए नाम के वेरिएबल में, जो कि एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4 एलिमेंट को मैंने स्टोर करा दिया और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये जो हुआ आपका एक तरीके का प्रोग्राम में लिस्ट को डिक्लेयर करना। यहाँ पे मैं रन करा के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर वो जो मैंने लिस्ट डिक्लेयर करी थी वो यहाँ पर आ गई। अब हम दोस्तों दूसरा टाइप समझते हैं कि अगर सपोज आपको यूजर से लिस्ट के अंदर वैल्यू इनपुट करानी है तो आप कैसे कराएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर रन टाइम पर यूजर से वैल्यू इंसर्ट करना है तो आपको एक वेरिएबल लेना होगा और यहाँ पर एक eval ये आपको लेना होगा और आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप सिंपल इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आप एंटर द लिस्ट एलिमेंट, ठीक, एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स। आपने जैसे ही ये लिखा और उसके बाद आप यहाँ पर उसको प्रिंट भी करा देंगे, किसको, ए को, ठीक है दोस्तों, ये आपने सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं रन पे गया और रन मॉड्यूल करा। अब आपको ध्यान ये रखना है, आपको सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके बाद जो आपके एलिमेंट्स हैं आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जब सारे आपके एलिमेंट इंसर्ट हो जाएं आप ये बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आपकी लिस्ट रन टाइम पर इनपुट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग और सीखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक लिस्ट इंडेक्स है। जैसा आप लोगों को याद हो कि मैंने आपको तीन तरह की लिस्ट बताई थी, जिसमें एम्प्टी लिस्ट, सिंपल लिस्ट और नेक्स्टेड लिस्ट शामिल थी। एम्प्टी लिस्ट का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो फिर वो किसी भी इंडेक्स पर स्टोर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले सिंपल लिस्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो एक लिस्ट है, लिस्ट में जो एलिमेंट हैं वो एक किसी ना किसी इंडेक्स पर स्टोर होते हैं, तो वही इंडेक्सिंग के बारे में हमको समझना है। जैसे यहाँ पर एक लिस्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें हमारे 5 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट ए, तीसरा रवि, चौथा 2.5 और लास्ट 9। ये 5 एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं कि ये पाँचों के पाँचों एलिमेंट लिस्ट के किस इंडेक्स पर स्टोर होंगे। तो हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों दो तरह के हमारे इंडेक्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्स -1 से स्टार्ट होते हैं, -2, नेक्स्ट -3, इस तरीके से आगे तक जाते हैं। तो जो लिस्ट का पहला एलिमेंट होता है, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में, तो वो 0 पे जो है वो स्टोर होगा, उससे अगला वाला 1 पे स्टोर होगा, उससे अगला वाला 2 पे स्टोर होगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट जो 1 है वो 0 पे स्टोर होगा, अगला वाला 1 पे स्टोर होगा, उससे अगला वाला 2 पे स्टोर होगा, उससे अगला वाला 3 पे स्टोर होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट के एलिमेंट हैं वो इन इन इंडेक्स पर स्टोर हैं। अब जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने लिस्ट और इसमें मैंने इसका इंडेक्स डाल दिया सपोज 4। तो दोस्त ये पता है ये क्या प्रिंट करेगा, ये यहाँ पर 9 प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ये 9 प्रिंट कर देगा। तो ये है पॉजिटिव इंडेक्स। अब मैं बात करूँ नेगेटिव इंडेक्स की, तो जो नेगेटिव इंडेक्स है -1 लिस्ट के सबसे आखिरी वाली एलिमेंट का नंबर होता है, इंडेक्स नंबर। उसके बाद उससे अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ें, ठीक, तो जो -1 के बाद -2, इस तरीके से जो नेगेटिव इंडेक्स है वो ये होगा, ठीक। अब हम लोग
बात करते हैं नेक्स्टेड लिस्ट के बारे में। नेक्स्टेड लिस्ट का जो इंडेक्स है वो किस तरीके से होगा, तो जो आप सामने एक एग्जांपल देख पा रहे हैं जिसमें एक लिस्ट नाम का वेरिएबल है जो अपने अंदर चार एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें चार एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिएगा पहला एलिमेंट है आपका वन, दूसरा एलिमेंट है आपका ए, और तीसरा एलिमेंट जो कि एक लिस्ट है वो है 2,3, और लास्ट एलिमेंट है आपका 9। इस तरीके से ये टोटल चार एलिमेंट हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर इनका इंडेक्स जो है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो देखिएगा इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो लिस्ट है, लिस्ट में 1A 2,3 जो कि एक लिस्ट है और 9, इनको हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पर जो है वो स्टोर होगा, उससे बाद अगला जो एलिमेंट है ए वो 1 इंडेक्स पर स्टोर होगा। ठीक है, उससे अगला वाला जो एलिमेंट है, ये जो पूरा एलिमेंट का एक सेट है वो उससे अगले इंडेक्स पर होगा, यानी वो होगा 2 पर। अब आप देखो इस 2 वाले इंडेक्स में जो कि एक लिस्ट है तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसलिए हमने इसको सेपरेट सेपरेट लिखा, एक में 2 और एक में 3। अब ये इसका भी एक अलग इंडेक्स होगा और इसका भी एक अलग इंडेक्स होगा, तो इसका जो इंडेक्स होगा उसका जो बड़ा वाला यानी 2,0 यानी 20, और उसके बाद इसका जो होगा 3 का वो होगा 21। इसी तरीके से लास्ट वाले का जो 9 है वो एक सिंगल है, तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 3 होगा। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव इंडेक्स के बारे में। नेगेटिव इंडेक्स जो कि -1 से शुरू होगा, तो यहाँ पर जो 9 है वो -1 स्टोर करेगा। अब इसी तरीके से जो अगला वाला जो ये एलिमेंट है जो एक लिस्ट है वो -2। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो इंडेक्स होगा वो एक तरीके से -2 होगा। ठीक, अब मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूँ और इस वाले एलिमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पे -2,-1 और -2,-2, इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्स होगा। आई होप आपने इसको बखूबी समझ लिया होगा। तो हम लोग इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि आखिर हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे। तो लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग या तो पूरी लिस्ट को हम प्रिंट करेंगे या फिर हर एक लिस्ट के एलिमेंट को सेपरेट सेपरेट हम लोग एक्सेस करेंगे। सेपरेट अगर हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम लोग इंडेक्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर लेके चलते हैं। इस प्रोग्रामिंग स्क्रीन पर हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना सीखेंगे। मान के चलिए एक ए नाम के वेरिएबल में मैंने अपनी कोई एक लिस्ट जो है वो स्टोर करा दी। ये मेरे लिस्ट के एलिमेंट हैं जिसमें मैंने यहाँ पर सपोज एक अंकित, ये मेरे एलिमेंट हैं। अब मैं पूरी लिस्ट को देखना चाहता हूँ, तो मैं पूरी लिस्ट को कैसे देखूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट और ए लिख देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी पूरी लिस्ट को एक्सेस कर पाऊँगा। यहाँ पे मैंने रन कर दिया तो ये जो मेरी लिस्ट है वो पूरी आ गई। अब सपोज मुझे इसका अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं इसके इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से एक्सेस कर पाऊँगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहले मैं 0 इंडेक्स पे देखना चाहता हूँ, 0 इंडेक्स पे कौन सा इसमें नंबर है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे हमारा क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था ये जो 1 है 0 पे, ये 2 पे, सॉरी ये 1 पे, ये 2 पे, और अंकित जो है वो 3 पर। तो यहाँ पर A3 में कर देता हूँ, यानी ए लिस्ट का तीसरा इंडेक्स। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या शो करेगा, यहाँ पर ये अंकित शो करेगा। अब मैं आपको नेक्स्टेड लिस्ट और बताता हूँ। इसी में नेक्स्टेड लिस्ट का एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 55 और 66। ठीक, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ 8। ये मेरी नेक्स्टेड लिस्ट है, यानी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। अब सपोज मुझे इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये हुआ पूरा 4। ठीक है, अब 4, ये वाला एलिमेंट 40 और ये वाला 41, तो यहाँ पर मुझे 4 करना है और इसका 1 करना है। अब मैं 66 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगा।
तो यहाँ पे मैं रन कराता हूँ, तो देखिएगा इसमें हम लोगों ने 66 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से आपने सिंपल लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा और आपने नेक्स्ट नेक्स्टेड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा। एक तरीका और है फॉर लूप के थ्रू, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक लिस्ट ट्रैवर्सिंग है। लिस्ट ट्रैवर्सिंग का मतलब लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना या फिर प्रोसेसिंग करना होता है। यानी अगर हम लोग पूरे लिस्ट में हर एक एलिमेंट तक पहुंचे तो उसका मतलब लिस्ट ट्रैवर्सिंग है। तो यहां पर हम लोग आपको फॉर लूप की मदद से लिस्ट में ट्रैवर्स करना सिखाएंगे। तो यहां एक एग्जांपल है जिसमें एक एल नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल में एक लिस्ट स्टोर है और लिस्ट के एलिमेंट हैं 4, जिसमें 1, 7, 8 और 12 मौजूद है। तो यहां पर फॉर ए इन एल, ए एक अलग वेरिएबल है जो कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट तक पहुंचेगा फॉर लूप के द्वारा। तो यहां पे मैंने लिखा है फॉर ए इन एल, इससे क्या होगा, इससे ए जो है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितने इस लिस्ट में एलिमेंट होंगे। इस लिस्ट में 4 एलिमेंट है तो जो फॉर का लूप है वो 4 बार चलेगा, यानी 4 बार फॉर का एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे फॉर ए इन एल, उसके बाद प्रिंट ए। तो सबसे पहले क्या होगा, ए जो है वो 1 तक पहुंचेगा, ठीक, उसके बाद यहाँ 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पर ए जो है वो 7 तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे 7 को प्रिंट करेगा, ए 8 तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर यहाँ 8 को प्रिंट करेगा, ए 12 तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर ये 12 को प्रिंट करेगा और लिस्ट हमारी खत्म है। तो इसका मतलब फॉर लूप यहीं की यहीं रुक जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करते हैं। यदि आप इसको प्रोग्रामिंग में देखना चाहते हैं तो फिर हम अभी आपको प्रोग्रामिंग में भी दिखा देते हैं। तो जैसे यहां पर एक ए नाम के वेरिएबल में एक मैंने अपनी लिस्ट स्टोर करा दी, तो अब मुझे इस लिस्ट पे को ट्रैवर्स करना है। तो मैं यहां पर फॉर एम इन ए, एम नाम का कोई एक वेरिएबल ले लिया और ए नाम की मेरी लिस्ट है, फॉर एम इन ए, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करा दिया किसको, एम को। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने जब रन करा तो हर एक लिस्ट के एलिमेंट तक ये हमारा एम जो है वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये था पूरे हर एक एलिमेंट में कैसे हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लिस्ट की ट्यूटोरियल बेसिक वीडियो, अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।